तो गाइस जैसे आज के मॉड्यूल के अंदर हम कंप्लीट करेंगे कटोरी डिटेल्स का मॉड्यूल, दैट मींस यहाँ पर सो व्यू करवाएंगे एंड एडिट एंड डिलीट वाला ऑप्शन भी मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। ओके तो गाइस देन लेट्स स्टार्ट। तो सिंपली दैट मींस जो हम बनाए थे सर्विस लेयर, तो सर्विस लेयर में एक बार आज हम चेक कर लेंगे। तो जैसे सिंपल हम बनाए थे सेव कैटेगोरी एग्जिस्ट कैटेगोरी, तो फर्स्ट ऑल अभी क्या ना गेट ऑल कैटेगोरी मेथड को कॉल करके डिस्प्ले करवाएंगे, देन एडिट एंड डिलीट मॉड्यूल को करने वाले हैं। ओके तो सिंपल आ जाएंगे, जैसे कि एडमिन कंट्रोल जो था, तो जैसे कि यहाँ पर जैसे कैटेगरी जो मॉडल था राइट, लास्ट कैटेगरी जब मैपिंग हो रहा है तब मेरा ऑल कैटेगरी पेज लोड हो रहा है। ओके तो सिंपल क्या है ना, मैं जैसे कि मॉडल ऑब्जेक्ट यूज करूँगा राइट। ओके दैट मीन जैसे कि जो भी मॉडल ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम कुछ वैल्यू सेट करवाएंगे, जैसे लिस्ट ऑफ जो कैटेगरी आ रहा है तो उसी को हम यूआई में दिखाएंगे। ओके तो सिंपल अभी जैसे कि मैं m.add एट्रीब्यूट, तो पर्टिकुलर हम उसका नेम दे देंगे, कौन से की की वैल्यू के उससे गेट करेंगे कैटेगोरी कैटेगोरी कैटेगोरीज राइट कैटेगोरी कैटेगोरीज एंड इसके बाद कॉल करेंगे कैटेगोरी सर्विस। तो कैटेगोरी सर्विस गेट ऑल कैटेगोरी। ओके तो गाइस सिंपली अभी जैसे कि आना जैसे जो भी ऑल द कैटेगरी सब कुछ मेरे यहाँ पर स्टोर हो जाएगा कैटेगरीज में। तो जैसे कैटेगरीज में कॉल करूँगा यूआई साइड से, तो यहाँ पर ऑल द डाटा फेच करके यहाँ पर फॉर लूप की हेल्प से दिखाएंगे। तो अभी आ जाएंगे सिंपल, तो एडमिन फोल्डर राइट, तो इसके अंदर आपको मिलेगा कैटेगरी HTML। तो यहाँ पर जैसे कि जो टेबल जो है, तो फर्स्ट ऑल जो टेबल रो है टी हेड का मतलब मैं यहाँ पर टी सीरियल नंबर दिखा रहे कैटेगरी एंड इमेज एक्शन, दैट मीन्स एडिट डिलीट बटन यहाँ पर रखेंगे। टेबल रो है दैट मीन्स यहाँ पर टेबल रो क्या है, जितना मेरा डाटा होगा तब तक ये इतना बार मेरे लूप में चलेगा टेबल रो। तो यहाँ पर क्या है ना टेबल जो रो है यहाँ पर मैं फॉरिच लूप लगाऊंगा TH ओके इक्वल टू, तो फर्स्ट ऑल जैसे मेरा जो डाटा है जैसे लिस्ट में है उसको एक एक ऑब्जेक्ट हम गेट करेंगे लूप की हेल्प से, उसके बाद उसको हम एक एक वैल्यू सेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑल मेरा जो नेम सी कॉलन कैटेगरी कैटेगरी दे शॉर्ट लेंगे CAT, देन उसके बाद काउंट एक काउंट फंक्शन लेंगे दैट मीन सीरियल नंबर क्या है, उसके बाद मैं कॉलन सिंबल दूंगा डॉलर सिंबल, देन यहाँ पर जो वैल्यू के अंदर जो सेट किया था कैटेगरी ऑब्जेक्ट को लिस्ट ऑफ कैटेगरी, तो उसको मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा। ओके तो यहाँ पर असाइन करना है, तो लिस्ट ऑफ कैटेगरी आ चुका है, ये फॉर लूप जितने जो मेरा वैल्यू है तब तक ये वाला लूपिंग में चलता रहेगा। ओके तो यहाँ फर्स्ट जो है मेरा सीरियल नंबर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे टाइम लूप का एक्सप्रेशन यूज करेंगे, उसके बाद C.count। ओके सेकेंड जो है कैटेगरी का नेम C.name, नेक्स्ट जो है इमेजेस राइट सिंपल। तो जैसे कि मेरे डाटाबेस में क्या है ना मेरा इमेज का नेम है एंड बट मेरे जो लोकली सिस्टम है मैं फोल्डर के अंदर इमेज का इमेज स्टोर कर रहा हूँ, तो मतलब क्या है ना बैकएंड से मैं इसका नेम लेकर आऊँगा, मैंने पर्टिकुलर फोल्डर पाथ से उसको नेम मैचिंग करके यहाँ पर मैं दिखाऊँगा। तो आ जाएंगे इमेज टैग सर से, तो मतलब यहाँ पर डायनेमिक वैल्यू आ रहा है राइट, तो इसको हम टाइम लिप का प्रीफिक्स यूज करेंगे THSRC। ओके तो उसके बाद आपको R सिंबल देना है कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद आपको यहाँ पर सिंगल कोट देना है, पर्टिकुलर मेरा पाथ क्या है ना फर्स्ट इमेज फोल्डर स्लैश इमेज फोल्डर, देन उसके बाद जो मेरा है कैटेगरी इमेज कैटेगरी अंडरस्कोर इमेज देन स्लैश, इसके बाद यहाँ पर जो डायनेमिक वैल्यू नेम आना चाहिए मेरा, तो डायनेमिक नेम को मैं यहाँ पर ऐड करूँगा अभी डॉलर सिंबल कर्ली ब्रेसेस देन CAT कैटेगरी .img, तो पर्टिकुलर जो फाइल का नेम है तो यहाँ पर मैं चेक कर लूँगा एक बार कैटेगरी में जो है मेरा इमेज नेम है। ओके तो आ जाएंगे ये वाला जो है कैटेगरी .html इमेज नेम, तो मेरा पर्टिकुलर क्या ना इमेज फोल्डर के अंदर कैटेगरी इमेज है उसके अंदर मेरे को मिल जाएगा यहाँ पर कैटेगरी का सॉरी इमेज का नेम, तो पर्टिकुलर इस ना पाथ में वो फेच करके यहाँ पर डिस्प्ले करके दिखा देगा। तो यहाँ पर मैं इसका विड्थ वगैरह यूज कर लूँगा, विड्थ दे दूँगा 100 पिक्सल या समथिंग 50 समथिंग 100 पिक्सल एंड हाइट दे देंगे 80 पिक्सल
उसको फिर से कस्टमाइज़ करेंगे कैसे दिख रहा है फर्स्ट चेकिंग करने के, तो हम उसको कस्टमाइज कर देंगे। ओके देन और एक था जैसे कि स्टाटस मैंने यूज किया था, स्टाटस को भी दिखाना है एक्टिव एंड इनएक्टिव ट्रू और फॉल्स। तो अभी क्या करेंगे कैटेगरी नेम उसके बाद यहाँ पर दिखाएंगे स्टाटस। cat कैटेगरी डॉट इज एक्टिव। ओके एक बार आके रिफ्रेश कर लेंगे राइट। अभी सक्सेसफुली आ चुका है बट यहाँ पर इमेज का साइज थोड़ा बड़ा दिख रहा है, इसको छोटा कर देंगे। 50 पिक्सल रख देंगे उसको, 50 पिक्सल एंड रखेंगे 50 पिक्सल। ओके ना भी सही दिख रहा है। ओके तो जैसे सिंपल है सीरियल नंबर दिखा रहा है, कैटेगरी नेम दिखा रहा है एंड स्टेटस दिखा रहा है ट्रू और फॉल्स। दैट मीन्स यहाँ पर जो ट्रू रहेगा स्टेटस उसको हम दिखाएंगे यूज़र को, कस्टमर अगर फॉल्स है दैट मीन्स उसको यूज़र को नहीं दिखाएंगे। एंड इमेज नेम दिखा रहा है राइट, तो वर्स्ट ऑल। बट यहाँ पर जो इमेज वगैरह यहाँ पर नहीं दिखा है क्योंकि ना वो वाला इमेज मैं स्टोर नहीं किया था मेरा लोकली फोल्डर के अंदर। ओके उसके बाद एक्शन में जो यहाँ पर रखूँगा जैसे कि दो आइकन राइट, तो एडिट का एक आइकन रखेंगे और डिलीट का एक आइकन रखेंगे। तो फोटोसॉप का हम यूज कर रहे हैं तो फोटोसॉप से उसका आइकन हम कॉपी कर लेंगे, उसका एडिट सोच करना एडिट को फ्री वाला यूज़ करना है आइकन ठीक है। अगर कोई प्रो वाला लेते हो आपको पे करना होगा, तो जैसे सिंपल हम इसको फ्री वाला यूज़ करेंगे। तो अभी क्या है ना इसको हम एंकर टैग के अंदर रखेंगे, जैसे कि इसको नेक्स्ट पेज में रिडायरेक्ट करने के लिए हाइफर रेफरेंस उसको रखेंगे हाथ सिंपल एंड ओके। इसके अंदर आइकन रहने वाला है राइट, ये वाला मेरा जैसे एडिट का है सेम डिलीट का हम यूज़ करेंगे आइकन। डिलीट ये वाला इसका लेके फ्री वाला एंकर टैग है फॉर रेफरेंस कलर देंगे टेक्स्ट टेक्स्ट डेंजर तो रेड कलर बन जाएगा। अनो वाला जो है टेक्स्ट प्राइमरी रखेंगे तो बन चुका है मेरा। रिफ्रेश कर लूँगा एक बार, अभी सही दिख रहा है। तो एडिट का आइकन दिखा रहा है यहाँ पर डिलीट का, इसका थोड़ा फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज कर देंगे तो FA2X कर देंगे। FA2 जैसे कि इसका साइज इसका इंक्रीज हो जाएगा FA-2X नहीं तो बहुत इनकी साइज दिखा रहा है उसको हम दिखेंगे यहाँ पर एक बटन भी रख देंगे, इसको लिखेंगे एडिट डिट एंड 2X रिमूव कर देंगे यहाँ पर। करेंगे चेक कर लेंगे ओके नहीं बॉस स्मॉल दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे सिंपल अभी इसको यूज करेंगे एडिट एंड सिंपल स्केच करेंगे डिलीट। क्लास यूज करेंगे BTN क्लास, क्लास BTN BTN प्राइमरी एंड जो ये वाला है BTN डेंजर। ओके तो स्मॉल भी यूज करेंगे BTN स्मॉल।
ओके देखो फिर से चेक कर लेंगे, तो अभी आ जाएंगे रिफ्रेश कर लेंगे, पर अब सही दिख रहा है। एडिट जो बटन है इसको भी करना है, जैसे कि सिंपल एडिट बटन जो है इसको बिटेन स्मॉल कर देंगे, बिटेन स्मॉल, एंड उसका जो टेक्स्ट कलर जो मैंने दिया था उसको रिमूव कर देंगे टेक्स्ट, जैसे कि उसका आइकन के ऊपर सेम कलर होने के बाद उसको मतलब वो जो हाइड हो जा रहा है तो उसको रिमूव कर दूंगा। सर इग्नोर दिस वन, सो आइकन में जो यूज है उसको रिमूव करेंगे राइट, तो उसको वो सही दिखेगा अभी। अब सही दिख रहा है राइट, एडिट दिख रहा है एंड डिलीट दिख रहा है। तो जैसे सिंपल मैं एडिट में क्लिक करूंगा तो एक अनदर पेज लोड होगा, ओपन होगा, सेम इस तरह एडिट आर कार्टून से बना हुआ है, तो यहाँ पर टाइटल बाय डिफॉल्ट आएगा, यहाँ पर एक्टिव एंड जो भी जो सिलेक्टेड हुआ है उसका नेम यहाँ पर डिस्प्ले होने वाला है, उसके साथ साथ जो इमेज जैसे अपलोड हुआ है उसका इमेज हम दिखाएंगे, अपडेट भी यहाँ पर कर सकते। तो ओके जैसे कि अभी जैसे मैं एडिट करने से पहले फर्स्ट ऑल क्या डिलीट बटन जैसे मैं क्लिक करूँ डिलीट कर दूंगा, उसके बाद हम एडिट मॉड्यूल को अपडेट करेंगे। ओके तो आज फर्स्ट ऑल जो मैं बनाऊंगा एडमिन कंट्रोल में फर्स्ट एक एंड पॉइंट बनाएंगे, तो जैसे कि पर्टिकुलर सर्विस मेथड के अंदर लॉजिक लिखेंगे डिलीट करने के लिए, तो सिंपल आ जाएंगे एस आर सी मैन जावा जो है मेरा है पैकेज एस आर सर्विस आई एम पी एल, तो कटोरी सर्विस आई एम पी एल मैंने यहाँ पर बनाया था एंड जो यहाँ पर कटोरी सर्विस। ओके तो अब मैंने ऑलरेडी तीन बनाया था, इसके अंदर नीचे और एक मैं बनाऊँगा मेथड पब्लिक बुलियन डिलीट कैटेगरी। तो डिलीट कैटेगरी करने से पहले तो फर्स्ट क्या है मैं इंटीजर आईडी पास करेंगे, तो पटे जिसका जो कैटेगरी हम डिलीट करेंगे उसका आईडी पास कर देंगे तो डिलीट करने के लिए। ओके देन अभी उसके बाद मैं यहाँ पर ओवरराइड कर लूँगा मेथड को। ओके तो पर्टिकुलर फर्स्ट वो क्या है जो आईडी में पास कर रहा हूँ पर्टिकुलर उस आईडी रिलेटेड जो भी डाटा है मेरे पास को गेट करना है, मतलब जो कैटेगरी की डिटेल्स, तो आ जाएंगे जैसे कि मैं गेट करूँगा तो कैटेगरी रिपो डिटेरी डेट फाइंड बाय आईड बाय आईडी आईडी पास कर देंगे और एल्स नॉल राइट तो कर देंगे जैसे कैटेगरी आ जाएगा कैटेगरी। ओके तो मैं चेक करूँगा अगर कैटेगरी नहीं है देन मेरे को अगर मान जो आईडी में दे रहा हूँ अगर मान लें इनके सब कुछ आईडी दे रहा है और डाटाबेस में नहीं है तो उस टाइम मैं रिटर्न कर दूंगा नॉल। ओके तो अगर ऑलरेडी है तो मेरे को कैटेगरी ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, तो यहाँ पर मैं चेक करूंगा इफ ऑब्जेक्ट डिटेल्स, दैट मीन्स मेरा क्या है ना ये चेक चेक करने वाला ऑब्जेक्ट डिटेल्स एक क्लास होता है, उसके अंदर एक मेथड होगा इच एम टी मेथड राइट, इस एम टी में एक कैटेगरी पास करते हैं दैट मीन्स ये चेक करेगा मेरा कैटेगरी नॉट नॉल होना चाहिए, दैट मीन्स इसको मैं नॉट इक्वल टू दे दूंगा। ओके मीन्स का नॉट इक्वल टू नॉट नॉट इक्वल टू नॉल दैट मीन्स मैंने मतलब क्या है ना कैटेगरी यहाँ पर है। ओके एम टी मतलब क्या नॉल चेक करें अगर है। ओके तो उसके उल्टा मतलब उसका नेगेशन मतलब क्या है ना नॉट लो मतलब इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट है तो मैं क्या करूँ सोचा कैटेगरी रिपोजिटरी से उसको डिलीट करूँगा कैटेगरी रिपोजिटरी डॉट डिलीट, तो कैटेगरी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दूंगा, अगर डिलीट सक्सेसफुल होगी मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा ट्रू, आइदर मैं इसको रिटर्न करने वाला फॉल्स, अगर मान इनकेस ऑफ जो मैंने आईडी प्रोवाइड किया तो सक्सेसफुली मान लो कुछ कुछ भी मतलब आईडी नहीं है तो पट्टी उस कैटेगरी नहीं है तो मतलब वहाँ पर नॉल मिल जाएगा, जब नॉल मिलेगा तो यहाँ पर एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो बाय डिफॉल्ट रिटर्न फॉल्स कर देगा। ओके अगर जो मैंने आईडी दिया है अगर सही करेक्ट है देन उसके बाद वो कैटेगरी कैटेगरी में क्या नहीं कंडीशन ट्रू हो जाएगा, ट्रू होने का पर्टिकुलर कैटेगरी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा, डिलीट करने के बाद जो रिटर्न ट्रू कर देगा। ओके तो मतलब अगर मैं कंट्रोल में चेक अगर ट्रू आया मतलब डिलीटेड हो चुका है तो मैं उसको दिखा दूंगा एडमिन जो जैसे कि ना कैटेगरी को डिलीट कर चुका है सक्सेसफुली, तो आज एडमिन कंट्रोल में आएंगे यहाँ पर एक मंथ बनाएंगे एक एंड पॉइंट, तो पब्लिक स्ट्रिंग डिलीट डिलीट कैटेगरी। ओके देन यहाँ पर मैं पाथ वैल्यू के हिसाब से मैं गेट करूँगा, तो इंट आईडी दैट मीन्स मैं यूआरएल से मैं गेट करने वाला हूँ, तो यहाँ पर रिसीव करने वाला गेट मैपिंग स्लैश डिलीट कैटेगरी, उसके बाद मैं आईडी यहाँ पर डायनेमिक्स पास करूँ जो आईडी मेरा आने वाला है कैटेगरी का आईडी, तो जैसे पटेला कैटेगरी आईडी मिल जाएगा तो उसको डिलीट करने के लिए उसके रिटर्न में कर दूंगा उसको यहाँ पर सक्सेसफुली। स्लैश एडमिन स्लैश पर्टिकुलर वो जो मेरा एंड पॉइंट था कैटेगरी, इस कैटेगरी में रीडायरेक्ट कर दूंगा जिससे मेरा पर्टिकुलर
दिख जाएगा यहाँ पर मैसेज वगैरह सब कुछ जो भी है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट टाइम मैं कॉल करूँगा तो जैसे कि आ जाएंगे, जैसे कि मैं कॉल करना कैटेगरी सर्विस सर्विस डॉट डिलीट कैटेगरी आईडी पास कर दूँगा तो मेरे को रिटर्न करने वाला है बुलियन वैल्यू राइट डिलीट कैटेगरी। अगर कंडीशन सक्सेसफुल डिलीट हो चुका है डिलीट कैटेगरी तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर सेशन का अंदर वैल्यू सेट कर दूँगा मतलब टेम्पोरी टाइम के लिए। तो जैसे कि जो मेरा तो कुछ मैसेज प्रिंट करके रखूँगा, जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा मैसेज में डिलीटेड होना चाहिए। तो मैं सेशन के अंदर मैं यहाँ पर स्टोर करूँगा सेशन ऑब्जेक्ट में बनाया एट द सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट सक्सेस मैसेज मैं दिखा देंगे। जैसे कि डिलीट सर डिलीट सक्सेस ओके। इनके सब मतलब सक्सेसफुल कुछ नहीं मतलब डिलीट नहीं हो पाया डाटाबेस से तो उस टाइम मैं एरर लेके दिखा दूंगा। तब एरर कब चलेगा दैट मीन्स फॉल्स आएगा जब दैट मीन्स इसके अंदर रिटर्न टाइप में तो उस टाइम मैं क्या करूँगा इस सेशन आउटपुट के अंदर वैल्यू सेट कर दूंगा। दिखा दो एरर मैसेज के अंदर मतलब समथिंग एरर रॉन्ग रॉन्ग ऑन एरर समथिंग सिंपल डन। तो पर्टिकुलर लॉजिकल बेस सब कुछ हम लॉजिक लिखे यहाँ पर तो सक्सेसफुल डिलीट अगर हो गया देन दिखा देंगे कैटेगरी डिलीट सक्सेसफुली। अगर डिलीट नहीं हो पाए दिखा देंगे समथिंग रॉन्ग ऑन सर्वर ओके डन हो चुका है। तो पर्टिकुलर इस एंड पॉइंट का भी जैसे मैं कॉल करूँगा मैं डिलीट हो जाएगा हमारा कैटेगरी तो आ जाएंगे कैटेगरी डॉट एच टी एम एल तो यहाँ पर आ जाएंगे। तो पर्टिकुलर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ना तो जैसे कि हर एक जैसे कि जो रो आ रहा है राइट तो हर एक रो का एक यूनिक आईडी है राइट। तो उसके अंदर जैसे कि मैं एंड पॉइंट में क्लिक करूँ इसका पर्टिकुलर आईडी जानना चाहिए। आईडी जाने के बाद मेरे को डिलीट होगा तो जैसे कि ये लूप चलते रहेगा जब तक मेरा डाटा है कटोरी है तब तक ये लूप चलेगा। तो यहाँ पर आ जाएंगे जैसे कि मेरे यहाँ पर हाइपर रेफरेंस जो है इसमें जो यहाँ पर जो मैं एंड पॉइंट कॉल करूँगा तो यू आर एल के अंदर ये डायनामिक वैल्यू आएगा राइट। तो इसलिए जैसे कि मैं यहाँ पर डायनामिक वैल्यू भेजने के लिए दैट मीन्स तो जैसे टी एच कोलोन आपको यूज करना है दैट मीन्स हाइपर रेफरेंस राइट। जैसे कि कुछ वैल्यू अगर भेजना है डायनामिक्स के साथ यू आर एल में तो ये वाला आपको थैमनिप का एट्रीब्यूट यूज करना थैमनिप ओके। जैसे कि एडमिन उसके बाद देन डिलीट कैटेगरी डिलीट कैटेगरी लास्ट देन यहाँ पर आईडी आना चाहिए तो मैं डायनेमिक आएगा तो प्लस सिंबल देंगे कॉन्कैटेनेशन डॉलर सिंबल देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर मेरा क्या है ना जैसे कि यहाँ पर सी एट जो मेरा है वेरिएबल के अंदर से एक एक ऑब्जेक्ट मिलेगा तो उसका आईडी मेरे को मिल जाएगा यहाँ पर काट डॉट आईडी ओके डन। तो अभी क्या करेंगे उसको इतना है जैसे मैं डिलीट बटन में क्लिक करूँगा ये डिलीट हो जाएगा अभी सक्सेसफुली। तो आ जाएंगे रिफ्रेश कर लूँगा मैं ओके। तो मैं इसको जैसे मैं क्लिक करूँगा देखना सक्सेसफुल दिखा रहा है कट आउट डिलीट सक्सेस। जैसे मैं इसको भी क्लिक करता हूँ कट आउट डिलीट सक्सेस सब कुछ डिलीट हो जाएगा अभी जो जो डाटा बेस है सब कुछ डिलीट हो जाएगा ओके। देखो मैं डाटा बेस आपको दिखा देता हूँ मैं डाटा बेस डिलीट हुआ कि नहीं ओके। तो मतलब ये क्या है ना डिलीट अभी कंप्लीट हो चुका है तो अपडेट कर लिए हम अभी लॉजिक लिखेंगे तो कैसे अपडेट करना है। तो ये मेरा था जैसे कि ई कॉम तो डाटाबेस चेक कर लेंगे तो आ जाएंगे एस आर सी मैन रिसोर्स एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज ई कॉमर्स डी बी। तो ई कॉमर्स डी बी कैटेगरी में सिलेक्ट करूँगा अभी देखना सक्सेसफुली एम टी है कोई मतलब नहीं है डेटा। तब मैं आ रखी अभी क्या करूँगा एक ऐड करने वाला कैटेगरी जैसे मैं आ रखूँगा इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एक्टिव अपलोड इमेज करेंगे तो आ जाएंगे जैसे मेरा कुछ इमेज था तो प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे मेरे प्रोजेक्ट फोल्डर एडवांस जावा कैटेगरी इमेज तो मैं दिखा दूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स राइट मैं सेव कर दिया। अभी देखना सक्सेसफुली इलेक्ट्रॉनिक्स आ चुका है शटरस्ट्रू मतलब ये यूज़र को देखेगा ओके और इमेज दिखा रहा एडिट। तो अभी जैसे कि मैं एडिट बटन में जैसे मैं क्लिक करूँगा एक पेज ओपन होना चाहिए ऐड कैटेगरी जैसा इस तरह एक सेम इस तरह फॉर्म खुलेगा उसके अंदर जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर दिखेगा स्टेटस जो भी सिलेक्टेड हुआ है ट्रू और फॉल्स दिखेगा यहाँ पर और इमेज जो है इसके नीचे एक इमेज दिखना चाहिए राइट। एक अनदर पेज बनाएंगे सेम पेज इस तरह बनाएंगे तो आ जाएंगे ये वाला जो है तो रिसोर्स टेम्पलेट्स में आ जाएंगे एडमिन फोल्डर एक बनाएंगे न्यू
बनाएंगे HTML पेज, तो एडिट, एडिट प्रोडक्ट, एडिट कैटेगरी। ओके, तो जैसे कैटेगरी में जो था उसको ऑल द डाटा उसको कॉपी कर लेंगे, हमारे से ओनली लास्ट और जो ग्रिड था जो टेबल उसको रिमूव कर देंगे, तो नहीं मेरा हो जाएगा। ओके, तो मेरा ये पर्टिकुलर जैसे मैं क्लिक करूँगा ये वाला पेज अभी खुलना चाहिए, तो आ जाएंगे से एडमिन कंट्रोल में एक मैपिंग करेंगे। ओके, तो पब्लिक स्ट्रिंग लोड एडिट, लोड एडिट कैटेगरी। ओके, तो रिटर्न, तो कौन सी पेज दिखाएंगे, लास्ट एडमिन पेज, तो एडमिन, एडमिन के अंदर मेरा दिखना चाहिए जैसे कि एडिट, एडिट जो कैटेगरी पेज दिखना चाहिए। ओके, तो इसकी मैपिंग दे देंगे गेट मैपिंग लोड एडिट, एडिट कैटेगरी। ओके, तो सिंपल। उसके बाद क्या ना जो मैं सिलेक्ट किया उसका डाटा भी देखने चाहिए, अभी फर्स्ट टाइम उसको लोड करके दिखाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे, तो आ जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर kato.html जो है यहाँ पर मैं इसको मैपिंग करूँगा, तो आ जाएंगे यहाँ पर स्लैश एडमिन स्लैश लोड एडिट कैटेगरी, मेरा हो चुका है। एक रिफ्रेश कर लूँगा एडिट पर, जैसे मैं क्लिक करूँगा अभी देखना सक्सेसफुली आ चुका है। तो यहाँ पर जो पेजेस मेरा लोड हो रहा है, तो इसके अंदर जैसे कि मैं उसको नाम दे दूँगा एडिट कैटेगरी, टॉप में दे दूँगा एडिट कैटेगरी। ओके, डन। अभी एडिट बन चुका है, एंटर कैटेगरी स्टेटस। तभी दैट मीन जैसे कि मैं जो पर्टिकुलर डिटेल्स का मैं क्लिक करूँगा, मतलब क्या है जैसे कि मान लो जिसका सीरियल नंबर 1 जिसे मैं क्लिक करूँगा उसका डाटा, जैसे मैं क्लिक करता हूँ उसका डाटा हमारा ऑटोमेटिक फिल होकर आना चाहिए, तो कैसे दिखाएंगे, तो उसको भी लॉजिक लिखना है। तो पर्टिकुलर जैसे कि हर एक प्रोडक्ट का दैट मीन हर एक कैटेगरी का एक यूनिक आईडी है। ओके, तो उस पर्टिकुलर आईडी से हम क्या क्या डाटा उसको डाटा डिटेल्स को गेट करेंगे, गेट करने के यहाँ पर दिखा देंगे, राइट। तो आ जाएंगे, तो पर्टिकुलर क्या है ना, तो URL पर फर्स्ट हम आईडी भेजेंगे जो पर्टिकुलर जो कैटेगरी में जैसे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएंगे kato.html, जैसे मैंने डिलीट कर जैसे मैं भेज रहा था ऐसा सेम यहाँ पर आईडी भेजूंगा URL पे, तो यहाँ पर आ जाएंगे @ ओके, तो cat.id जैसे मैं भेज रहा हूँ, तो मतलब मेरे को रिसीव भी करना होगा कंट्रोलर में जो मेरा एंड पॉइंट, तो यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर डायनामिक, तो दैट मीन्स आईडी। ओके, तो अगर मेरे यहाँ पर आईडी आ रहा है तो इसको रिसीव भी करना होगा, राइट, इस मेथड के अंदर पाथ वेरिएबल इंट आईडी। ओके, तो सक्सेसफुली क्या है मेरे एक सर्विस के अंदर मेथड बनाने पड़ेगी पर्टिकुलर कैटेगरी गेट करेंगे आईडी की हेल्प से, तो आ जाएंगे सिंपल अभी कंट्रोल सर्विस यहाँ पर गेट करेंगे पब्लिक कैटेगरी गेट कैटेगरी बाय आईडी, तो इंट आईडी पास कर देंगे। ओके, तो कॉल कर लेंगे अभी, तो जैसे ही सिंपल जैसे जो गेट करेंगे, ओके, तो गाइस सिंपल हमारा आ जाएंगे, तो ये उसको ओवरहेड भी करना होगा, ओवरहेड करके उसको लॉजिक भी लिखना है ना, तो सिंपल जैसे सोर्स में मैं क्लिक करूँगा ओवरहेड करना है इधर, जैसे कि यहाँ पर जो एरर दिखा रहे हैं हमारे एरर पर जैसे क्लिक कर दोगे आर अन इम्प्लीमेंट मेथड। ओके, तो ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। फर्स्ट हम क्या कॉल करेंगे कैटेगरी रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी और एल्स नॉल, राइट, मेरा कैटेगरी मिल जाएगा। मैं चेक करूंगा इफ ऑब्जेक्ट यूटिल्स, तो सिंपल जैसे जो कैटेगरी जो मिल रहा है और इतना कोई मतलब वैलिडेशन नहीं लगाना है, जो मिलेगा अगर नॉल होगा तो नॉल जाएगा, अगर मान लो डाटा है तो डाटा मेरे को दे देगा, राइट, जो आईडी में पास कर रहा हूँ। तो अभी आ जाएंगे कंट्रोलर पे, उसको कॉल करेंगे, तो जिस डाई सिंपल क्या ना मतलब यूआई में दिखाना है, तो मतलब मॉडल के ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं इसको दिखाऊंगा, मॉडल ऑब्जेक्ट में से ऐड कर देंगे m.add attribute कैटेगरी से कि कैटेगरी सर्विस नॉट दिस वन कैटेगरी कैटेगरी सर्विस डॉट गेट कैटेगरी बाई आई डी। ओके, तो मतलब इस अपडेट से मेरे को गेट करना है, तो सिंपल आ जाएंगे एडिट कैटेगरी, तो यहाँ पर आ जाएंगे सिंपल सेट करेंगे वैल्यू अभी, तो
तो जैसे बाई डिफॉल्ट तो टी एच वैल्यू, तो टी एच वैल्यू तो डॉलर सिंबल कैटेगरी डॉट नेम, देन नेक्स्ट क्या है ना, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा, दैट मीन्स जैसे कि जो पर्टिकुलर मेरा ट्रू आएगा तो दैट मीन्स मैं इसको चेक यहाँ पर डायनेमिक लगाऊंगा, अगर फॉल्स आता है दैट मीन्स यहाँ पर चेक यूज करेंगे, उसको लगाने के लिए दैट मीन्स थाइमली का जो है योर टी एच कॉलोन चेक्ड इक्वल टू डॉलर सिंबल दे देंगे, राइट। तो जैसे कि डॉलर सिंबल ओके, तो कैटेगरी कैटेगरी डॉट स्टेटस इक्वल टू इक्वल अगर ट्रू आता है दैट मीन्स मैं क्या करूँगा उस टाइम, ये अगर चेक होगा ऑटोमेटिक आइधर, ये मतलब चेक नहीं होगा एट सेम कंडीशन दिस में से यहाँ पर आ जाएंगे, जब फॉल्स आएगा तब मतलब ये वाला मैं चेक रहेगा। तो मतलब जो बाय डिफॉल्ट चेक रहना चाहिए, मतलब मैं जो यूज़र सेव करने के टाइम अगर इनएक्टिव चूज किया तो एडिट मोड पे जब आएगा इनएक्टिव भी यहाँ पर सिलेक्टेड होना चाहिए, तो मतलब हम टी एच कॉलन चेक में यूज कर रहा हूँ, अगर फॉल्स आता है दैट मीन्स क्या ये वाला चेक हो जाएगा, अगर ट्रू आता है ये वाला चेक रहेगा। उसके बाद इसका नीचे इमेज दिखा दूंगा, तो एक मैं बना लूँगा एक जैसे कि इमेज टैग आई एम जी एस आर सी, तो मतलब ये डायनेमिक आना चाहिए, द डायनेमिक आना टी एच कोलोन उसके बाद एट द रेट देन सिंगल कोलोन स्लैश आई एम जी स्लैश उसके बाद स्टार्टिंग के अंदर आई एम जी फोल्डर आइडेंटिटी होने का कैटेगरी आई एम जी है कैटेगरी कटोरी आई एम जी उसके स्लैश लॉस्ट डॉलर सिंबल कैट डॉट इमेज नेम, तो चेक करेंगे कैटेगरी जो मेरा है जावा में, यहाँ पर चेक करेंगे इमेज की नेम था, तो जो भी आपके यहाँ वेरिएबल है उस नेम आपको सेम होना चाहिए, अगर मिसमैच हो जाएगा देन आपको डाटा नहीं मिलेगा। राइट ट्वीट दे दूंगा 100 पिक्सल हाइट दे देंगे 100 पिक्सल, अब सही देखने से देने उसके बाद मैं इसको यूज़ कर दूंगा अपडेट। इसका अगर मान लो इस फील्ड को मेरे को सेंटर में दिखाना राइट, तो ऑफसेट एमडी कर देंगे, तो मीन्स टोटल क्या है टोटल 12 ग्रिड होता है, तो 3 ग्रिड में यहाँ पर यूज कर रहा, रिमेनिंग टोटल कितना और 9 ग्रिड बचा होगा, तो यहाँ पर मैं क्या उसको 9 ग्रिड दैट मीन्स मैं उसको कर दूँ 5 में, थोड़ा तो सेंटर में आ जाएगा। अभी रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार एडिट में, जैसे मैं क्लिक करता हूँ वैसे सक्सेसफुली आ चुका है, बट देखिए हम जैसे एडमिन आ रहा है लोड कैटेगरी आ रहा है आईडी आ रहा है राइट, उसका जो पर्टिकुलर जो अपने कैटेगरी का आईडी मिल रहा है तो उसके अंदर क्या एरर दिखा रहा है उसको सॉल्व करेंगे कैटेगरी डॉट स्टेटस ओके लाइन नंबर 40 ओके ओके। तो यहाँ पर जो लाइन नंबर 40 मैंने यूज़ किया था कंडीशनल बेस्ड, तो यहाँ पर चेक करना है पर्टिकुलर क्या डाटा आ रहा है ओके। तो अभी क्या है ना इस कंडीशन मिसमैच कुछ हो रहा है, तो ये वाला जो है टी एच एक्ट को उसका भी मैं क्या रिमूव कर लेता अभी यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लेंगे, अभी सेव कर लेंगे ओके। तो बाय डिफॉल्ट क्या है ना अभी पता चलेगा, तो रिफ्रेश कर लूँगा अभी क्या दिखा लाइन नंबर 59, तो इमेज नेम उसको इमेज भी नहीं मिल रहा है ओके, क्या इशू है 59 रो नंबर पे दिखा रहा है जैसे कि आई एम जी कैटेगरी कैट डॉट इमेज सॉरी सॉरी सॉरी, तो मेरा जो बाय डिफॉल्ट जो था मेरा जैसे कैटेगरी के अंदर मेरा सेट था, तो मैं कैट यूज़ करूँगा कैसे वो आएगा कैटेगरी जो मैंने मॉडल में सेट किया था ओके, अभी सही आना चाहिए अगर अभी सही आ रहे हैं बट ओके, बट नेम दिखा रहे हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने सिलेक्टेड किया था अभी जो पर्टिकुलर उसका नेम दिखा रहे हैं, उसके बाद एक्टिव इनएक्टिव भी सिलेक्टेड होना चाहिए, तो इसको कैसे एक्टिवाई करेंगे एक बार मैं आ जाऊँगा यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा डॉलर सिंबल के साथ, तो मेरा पर्टिकुलर वैल्यू क्या आ रहा है चेक करेंगे कैटेगरी डॉट स्टेटस सॉरी सॉरी मेरा फील्ड नेम क्या था चेक करना होगा इज एक्टिवेट ओके नो प्रॉब्लम, तो इसका इतना रखते इज एक्टिव था ना मेरा आ जाएंगे रिफ्रेश करेंगे तो पता चलेगा ओके ट्रू आ रहा है राइट, तो मतलब ट्रू फॉल्स में आ रहा है, तो मतलब मैंने मिस्टेक किया क्या क्या किया था उसको चेक कर लेंगे कंट्रोल जेड कर देंगे, ये तो हो जाएगा कैटेगरी, तो यहाँ पर ओके। तो गाइस तो क्या है ना ये वाला क्या इसको कट कर लेते हैं, तो मेरा जो एट्रीब्यूट दैट मीन वेरिएबल का जो मेरा नेम था तो यहाँ पर एग्जैक्टिव था, अगर मैं स्टार्टअप से यूज करूँ कैसे वो आएगा, तो उसको तो मतलब उसको कोई फील्ड भी नहीं है तो एरर आ जाएगा ना,
तो मेरा लॉजिक सही है, सब कुछ सही है, बट मैंने यहाँ पर गलत वेरिएबल नेम दिया था, रिफ्रेश कर लूँगा। अब दिख रहा है सही है, देख सकते हैं अभी तीन एक्टिव में जैसे सिलेक्ट कर बाई डिफॉल्ट क्या एक्टिव सिलेक्ट था। अब मैं आ जाऊँगा और कोई एक प्रोडक्ट ऐड कर लूँगा जैसे कि लैपटॉप, इसको इन एक्टिव में चूज करूँगा तो अपने इमेज में आ जाएंगे, लैपटॉप में सिलेक्ट कर लूँगा, सेव में कर लूँगा। अभी देख सकते हो ये फॉल्स दिखा रहा है। अभी जैसे मैं एडिट में क्लिक करूँगा देखो बाई डिफॉल्ट इन एक्टिव सिलेक्टेड है, कैटेगरी दिखा रहा है, इमेज अन इमेज भी दिखा रहा है। जैसे मैं अभी अपडेट में क्लिक करूँगा ये अपडेट भी होनी चाहिए, तो कैसे अपडेट होगा अभी मैं चेक करूँगा। ओके तो अपडेट के लिए दैट मीन्स क्या है ना, फर्स्ट मैं यू आर एल मैपिंग करूँगा। ओके तो एडमिन इज अ सेफ कैटेगरी है, दैट मीन्स ये अपडेट कैटेगरी में बनाऊँगा, अपडेट कैटेगरी। तो अपडेट कैटेगरी नेम से एक यू आर एल मैपिंग करूँगा, मेथड पोस्ट जाएगा उसके अंदर, जब फाइल में भेजूंगा तो मतलब इसलिए मैंने इंग टाइप मल्टीपल स्लैश फॉर्म डाटा मैंने यूज़ किया यहाँ पर। ओके तो आज ये सिंपल एडमिन कंट्रोल पे आएंगे, यहाँ पर फर्स्ट है बनाएंगे एक मैपिंग, ये मेथड बनाएंगे पब्लिक स्ट्रिंग, ये अपडेट कैटेगरी अदर पोस्ट मैपिंग, तो पोस्ट मैपिंग भेजेंगे उसका स्लैश जैसे कि ये रहा नहीं अपडेट, फर्स्ट डबल कोट्स के अंदर रखना है स्लैश अपडेट कैटेगरी। ओके तो मतलब यहाँ फुल्ली ऑब्जेक्ट मेरे को मिलेगा, आर दैट मॉडल एट्रीब्यूट, मॉडल एट्रीब्यूट क्या है ना मेरा कैटेगरी ऑब्जेक्ट मिलेगा, कैटेगरी कैटेगरी ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। उसके बाद रिक्वेस्ट फार्म के अंदर मैं फाइल में भेजूंगा, और कोई यूज़र चाहे उसको वो अपडेट भी कर सकता है, नहीं तो अपडेट भी नहीं करेगा उसका मर्जी। तो फिर मैं दे दूंगा नेम फाइल स्ट्रिंग सर, ये इसका डाटा टाइप बनवाए मल्टी पार्ट फाइल, मल्टी पार्ट फाइल फाइल। ओके उसको मैं रिटर्न करके लेके जाऊंगा उसी पेज का दिखा देंगे ना, कोई इशू नहीं है। तो रिडायरेक्ट रिडायरेक्ट स्लैश लोड एडिट कैटेगरी, तो एडमिन के एडमिन स्लैश लोड एडिट कैटेगरी, देन उसके बाद स्लैश का मेरे को ये पर्टिकुलर आईडी भी पास करना है राइट। तो यहाँ पर आ जाएंगे स्लैश क्लोज आई डी, आई डी मेरे को मिलेगा कैटेगरी ऑब्जेक्ट के अंदर, नॉट दिस वन कैटेगरी गेट आई डी। ओके डन। ओके तो जैसे कि जो भी मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा फुल्ली कैटेगरी अपडेट करना है तो यहाँ पर मिल जाएगा, मतलब क्या है ना कैटेगरी का नेम स्टेटस एंड उसके बाद उसका इमेज के नेम, तो इमेज जो नेम मेरा वो ऑप्शनल होगा, अगर मान लो यूज़र चाहे दे सकता है नहीं दे सकता उसका ऑप्शनल है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर नहीं देगा दैट मीन्स क्या है ना ऑलरेडी जो रखा हुआ डाटा उसमें उसको रखना है, अगर नहीं करना है तो वो अपने न्यू फाइल दे के अपडेट कर सकता है। ओके तभी आज सिंपल मेरे को हम मिल जाएगा कैटेगरी। तो फर्स्ट ऑल जैसे यहाँ पर कैटेगरी जो आई डी मिल रहा है डाटाबेस में जो है पहले उसको हम गेट करेंगे। ओके तो कैटेगरी सर्विस, तो कैटेगरी सर्विस डॉट गेट कैटेगरी बाई आई डी, कैटेगरी डॉट गेट आई डी, तो कैटेगरी। ओके कैटेगरी मेरे को मिलेगा, तो फर्स्ट मैं चेक करूँगा इफ कैटेगरी नॉट इक्वल टू नॉल, दैट मीन्स सी एस एम डाइट ऑब्जेक्ट यूटिल्स हम यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट यूटिल्स इज एम्प्टी, देन कैटेगरी नॉट इक्वल नॉल, दैट मीन्स क्या नॉल मतलब क्या है ना, मतलब जो आई डी मैंने पास किया हूँ अपडेट करने के लिए तो पर्टिकुलर वो आई डी डाटा ऑलरेडी है डाटा बेस में, क्या दिखा रहा है मतलब ओल्ड डाटा ओल्ड कैटेगरी ओल्ड डिटेल्स मेरे यहाँ पर है। ओके डन। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मेरा ऑलरेडी यहाँ पर है, उसके बाद तो मैं क्या करूँगा कैटेगरी जो है तो यहाँ पर जो मिलेगा उसको मैं अपडेट कर लूँगा राइट। तो इसी के अंदर तो ओल्ड कैटेगरी डॉट सेट, देन आई डी, तो आई डी मेरे को मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, तो आई डी ऑलरेडी यहाँ पर रुका होगा है, तो उसके बाद सेट नेम देन कैटेगरी डॉट डॉट गेट नेम, गेट नेम ओल्ड कैटेगरी, फर्स्ट ऑल जो है फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए, सेट स्टेटस सेट इज एक्टिव राइट। तो कैटेगरी पे मेरा मिल जाए कैटेगरी डॉट गेट इज एक्टिव। ओके उसके नेक्स्ट जो मेरा है तो चेक कर लूँगा एक बार, तो उसके बाद जो है कैटेगरी इमेज,
तो यहाँ पर जो इमेज आएगा तो यहाँ पर मैं कुछ कंडीशनल बेस में वहाँ चेक करूँगा। ओके तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, जैसे कि मैं चेक करूँगा फाइल नॉट इक्वल टू नॉल, दैट मीन्स क्या है ना, मतलब कुछ यूज़र ने फाइल दिया है, अगर फाइल दिया है मतलब क्या है ना, मैं फाइल डॉट गेट कर लूँगा, फाइल डॉट गेट ओरिजिनल फाइल नेम। अगर मान लो कोई यूज़र ने फाइल मतलब कुछ नहीं दिया, मतलब इमेज अपडेट नहीं करना चाह रहे, कुछ नहीं दिया हमारा, मतलब मैं रिक्वेस्ट में कुछ फाइल नहीं आया, बाय डिफॉल्ट के नॉल आएगा, जब नॉल आएगा दैट मीन्स क्या है ना, ये फॉल्स वाला कंडीशन चलेगा। तो फॉल्स में क्या होगा, दैट मीन्स ऑल कैटेगरी में जो है मेरा तो ऑलरेडी डाटाबेस में जो है इमेज के नाम, उसको मैं लेकर आ जाऊँगा। ओके तो यहाँ पर मैं सिंपल यहाँ पर मैं रख दूँगा फाइल के नेम स्ट्रिंग फाइल नेम, कंट्रोल एक्स मैं करूँ फर्स्ट टॉप में रख देते, इसको भी मतलब डायनेमिक प्रूफ फुल्ली बन जाएगा। ओके तो अभी आ जाएंगे तो इमेज की नेम, तो फिर से आपको मैं समझा रहा हूँ, मान लो यूज़र ने कुछ अपडेट के टाइम फाइल मतलब इमेज अपलोड नहीं किया, तो मतलब क्या फाइल का वैल्यू नॉल आएगा, तो मैं यहाँ पर चेक कर फाइल नॉट इक्वल टू नॉल, दैट मीन्स अगर मान लो नॉल दे दिया तो मतलब ये बार चलेगा, मतलब क्या है ना ऑलरेडी डाटाबेस में जो इमेज का नेम है उस इमेज को नेम के लेके हम स्टोर कर देंगे। अगर जैसे कि मान लो यूज़र ने तो अपडेट के टाइम फाइल अपलोड किया कुछ अनदर इमेज दिया, मतलब नॉट इक्वल नॉल दैट मीन्स का कंडीशन ट्रू, तो मतलब क्या है जो फाइल जो दिया हुआ है इसको हम इमेज का जो है तो आ जाएगा, मतलब जो अपडेट के टाइम जो इमेज नेम दिया वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा इमेज के नेम। ओके तो पर्टिकुलर मेरे को ओल्ड कैटेगरी अंदर जो है उसके अंदर सेट इमेज नेम में सेट हो जाएगा। ओके सेट हो चुका है, तभी क्या है ना तो सर्विस कॉल करना है, तो वे आ जाएंगे यहाँ पर कॉल करेंगे इफ़ सब ने से डायरेक्ट में सर्विस कॉल करूँगा, कैटेगरी सर्विस सर्विस डॉट सेव सेव कैटेगरी सेव कैटेगरी दैट मीन्स का वही सेम डिटेल्स, मतलब जैसे सेव कैटेगरी में कॉल कर लूँगा, सेव के लिए मैं जो यूज़ किया था वही सेम मेथड कॉल होगा। तो यहाँ पर जो लॉजिक होता है डाटा जेपीए में क्या होता है, तो कैटेगरी में अगर मान लो आईडी नॉल जाता है दैट मीन्स क्या है ना, तो डाटा जेपीए इतना इंटेलिजेंट है वो ऑटोमेटिकली समझ लेगा आईडी नॉल है मतलब क्या इंसर्ट करना है। अगर रिक्वेस्ट में आईडी आया राइट, मान लो जैसे मेरा आईडी जो है आई एट मेरा मिला, अभी मैं दिखाता हूँ जो आईडी जिसका 8 या 9 मिला, तो अगर मान लो आ चुका है मतलब उस पर्टिकुलर डाटा के रो के ऊपर वो अपडेट कर लेगा जो भी डाटा मेरा यहाँ पर रिक्वेस्ट में आ रहा है राइट। तो यह इतना इंटेलिजेंट है डाटा जेपीए, तो फिर मैं रिटर्न कर लूँगा तो सेव कैटेगरी या अपडेट कैटेगरी दे दूँगा। तो मैं चेक करूँगा इफ अपडेट कैटेगरी अपडेट डिटेल्स अपडेट कैटेगरी राइट, तो दैट मीन्स क्या है ना नॉट नॉल दैट मीन्स हमारे नॉल नहीं होनी चाहिए राइट, इज एम्प्टी दैट मीन्स नॉल चेक करेगा, तो मतलब उसका उल्टा किया नॉट नॉल। ओके तो हो जाएगा दैट मीन्स क्या है ना, उस टाइम मैं दे दूंगा सक्सेस मैसेज दिखा दूंगा HTTP सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट मतलब तो कैटेगरी सक्सेस। और इन केस ऑफ कुछ अपडेट नहीं हो पाया, कुछ मान लो डाटाबेस कुछ सर्वर में इशू है, दैट मीन्स उसके लिए हम दिखा देंगे समथिंग रॉन्ग ऑन सर्वर राइट, तो यहाँ पर आ जाएंगे ओके तभी मतलब जैसे कि ये वाला जो लॉजिक लिखा हुआ है मतलब क्या डाटाबेस में उसका नेम मान लो यूज़र ने रिक्वेस्ट के टाइम, तो पहले इसको मैं सर्व दिखाता हूँ ओके उसने फिर फुल्ली दिखाएंगे यूआई में आपको समझ में आ जाएगा। एक मैं आगे रिफ्रेश कर लेता हूँ तो लैपटॉप में आ गया था अपडेट ओके, तो इसको मैं एक्टिव कर देता हूँ, तो इमेज अभी मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, तो अपडेट में इससे मैं क्लिक करूँगा तो ओल्ड कैटेगरी दिखा रहा है नॉल आ रहा है, क्यों नॉल आ रहा है ओके। तो यहाँ पर जो मेरा कैटेगरी जो HTML नहीं एडिट कैटेगरी जो है यहाँ पर पैरामीटर के अंदर मेरे को आईडी भी पास करना है, जिससे मैं आईडी नहीं मिल रहा है इनपुट टाइप, तो मैं जो पर्टिकुलर जिस पर्टिकुलर कैटेगरी के डिटेल्स को अपडेट करना है मेरे को उसका आईडी भी पास करना है, तो यहाँ पर जो आईडी रहेगा है हिडन करके रखूँगा एंड नेम मेरा रहना चाहिए आईडी आने, यहाँ पर उसका वैल्यू रहेगा TH कॉलन वैल्यू डॉलर सिंबल, देन यहाँ पर रहेगा कैटेगरी कैटेगरी डॉट आईडी कैटेगरी डॉट आईडी ओके। तो मतलब क्या है ना मतलब यूआई साइड से ये हिडन रहेगी नहीं दिखेगा बट आईडी मेरा भेजेगा राइट, तो अभी आ जाएंगे सिंपल ए वन स्टेप बैक। तो अभी क्या करेंगे सिंपल, तो यहाँ पर लैपटॉप जो है तो मैं यहाँ पर मेरे को इनपुट देना है यूपी तो समथिंग मैं अपडेट करूँगा, तो यहाँ पर एक्टिव एंड इनएक्टिव इसको मैं क्या करूँगा एक्टिव कर दूँगा, अन अपलोड इमेज मतलब यहाँ पर मैं यूज़र में कोई अभी नहीं दूँगा
फाइल किए हैं, राइट। तो अभी जैसे मैं अपडेट करता हूँ तभी सक्सेसफुल कटोरी अपडेट सक्सेस हो चुका है, बट यहाँ पर इमेज रिमूव हो चुकी है। रिमूव हुआ मतलब मैंने रिक्वेस्ट में कोई इमेज नहीं दिया, बट यहाँ पर रिमूव हो चुका है। डाटाबेस में चेक करेंगे तो मान लो डाटाबेस में आई थिंक फाइल नेम ओके है, तो गाइस जैसे यहाँ पर इमेज नेम रिमूव हो चुका है तो क्यों रिमूव हुआ है मैं भी आई थिंक समथिंग यहाँ पर जो है, तो दैट मीन्स मेरा यहाँ पर लॉजिक जो क्या है फाइल नॉट नॉट इक्वल टू नॉल, दैट मीन्स क्या है ना फाइल मेरा होगा अगर नहीं है तो मतलब कि उस टाइम ये वाला एल्स कंडीशन चलने चाहिए, बट मेरे को लग रहा है आई थिंक फाइल डॉट गेट ओरिजिनल ओके, तो मतलब ये ट्रू कंडीशन चल गया ओके। तो गाइस सिंपली क्या है ना फाइल नॉट इक्वल टू नॉल मतलब ये वर्क नहीं कर रहा है समथिंग, मेरे को इसको लिखना है इज प्रेजेंट इज एम्प्टी या इज एम्प्टी समथिंग इज प्रेजेंट है कुछ का, इज एम्प्टी यूज़ करेंगे। इज एम्प्टी मतलब क्या है ना मतलब फाइल यूज़र ने कुछ नहीं दिया उस टाइम क्या करेंगे, अगर नहीं दिया मतलब क्या है ना ओल्ड डॉट गेट कटोरी इमेज नेम रहेगा, एंड अगर कुछ फाइल ने यूज़र ने इनपुट दिया है कुछ फाइल दिया है मतलब अपलोड करने के लिए मतलब इमेज अपलोड किया तब ये वाला एल्स ब्लॉक चल जाएगा मतलब फाइल डॉट के ओरिजिनल नेम मिलेगा ओके। अभी सही हो जाएगा, अभी क्या करेंगे डाटाबेस में एक बार आ जाएंगे तो लैपटॉप जो मेरा था नेम लैपटॉप डॉट जेपीजी ओल्ड वाला जो इमेज था तो फिर से मैं इसको मैं अपडेट कर लेता हूँ जीरो, उसको रहने देते हैं, इसको मैं ऑन कर देता हूँ, इसको जो अपडेट मैंने रखा था उसको अपने रिमूव कर देता हूँ ओके। एक बार आ जाएंगे यहाँ पर रिफ्रेश कर लूँगा तो अभी दिखा रहा है लैपटॉप तो एक्टिव दिखा रहा है, उसको मैं ये इनएक्टिव कर दूँगा, यहाँ पर मैं अपडेट कर दूँगा ओके। अभी मैं जैसे कि कुछ इमेज अपलोड नहीं कर रहा हूँ तो अभी मेरा ये अपडेट होना चाहिए, जैसे मैं दे रहा हूँ अपडेट हो रहा है ओके। बट उसके साथ साथ जैसे कि मैं इमेज नेम देता हूँ अभी देखना जैसे कि इमेज कुछ चेंजेस हो रहा है, नहीं यहाँ पर इमेज चेंजेस नहीं हो रहा है राइट। सक्सेसफुली मैंने यहाँ पर जो यूज किया था इज एम्प्टी ना तो इसको यहाँ पर नॉट नॉल नहीं मतलब इज एम्प्टी चेक करना है, दैट मीन्स क्या मेरा यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा है कि नहीं मतलब। तो यहाँ पर जैसे क्या है ना तो ये जो लॉजिक मैं फिर से आपको बता रहा हूँ तो फाइल इज एम्प्टी मतलब क्या है ना यूज़र ने कुछ इमेज मेरा अपलोड नहीं किया, अगर नहीं किया तो उस टाइम क्या है ना ओल्ड कट मतलब डाटाबेस में जो इमेज का नेम है वो लेके आ जाएगा यहाँ पर दिखा मतलब सेट कर देगा इमेज नेम, अगर मान लो यूज़र ने कुछ इमेज अपलोड किया है अपडेट करने के तब ये वाला कंडीशन क्या होगा फॉल्स होगा, दैट मीन्स फॉल्स होगा दैट मीन्स एल्स ब्लॉक चलेगा ओके। तो मतलब वहाँ पर जो न्यू फाइल का फाइल नेम मिल जाएगा ओके। अभी आ जाएंगे तो जैसे कि तो मैं क्या करूँगा तो यहाँ पर इसको मैं अपडेट करना इमेज नेम भी अपडेट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा अलग कुछ नेम इमेज नेम दे दूँगा अपडेट करूँगा, जैसे मैं अपडेट करूँगा तो देख सकते सक्सेसफुली ये अपडेट हो गया। डाटा इसमें चेक करेंगे आके पैन डॉट पी एन जी हो चुका है, बट अभी क्या है ना तो बाई डिफॉल्ट ये इमेज कैसे आया ओके। तो मान लो जैसे कि ऑलरेडी कटोरी जो मेरा था आपको एक बार दिखा देता हूँ, तो कटोरी आई एम जी में अंदर ऑलरेडी पैन डॉट पी एन जी इमेज था इसलिए वो आ चुका है, बट ये वाला क्या है ना मेरे को यहाँ पर ये वाला नहीं आएगा, मेरे को लॉजिक जो मैं इंप्लीमेंट किया हूँ तो जैसे अपडेट के टाइम मेरा नेम अपडेट हो रहा है बट फाइल स्टोर नहीं हो रहा है ओके। मैं मान लो कुछ अलग इमेज अपलोड करता हूँ तो आ जाएंगे कुछ अलग इमेज बाहर से कुछ ले लेते हैं, ये वाला दे देता राइट, तो ये वाला दे देता हूँ अपडेट करता। अभी जैसे मैंने अनदर फाइल को अपलोड किया हूँ तो जैसे दिखा रहा है दैट मीन्स क्या ना ये डाटाबेस में अभी अपडेट हो जाए, देखो डाटाबेस में इस इमेज का नेम आ चुका है बट यहाँ पर वो इमेज नहीं दिख रहा क्योंकि ना वो जो कटोरी आई एम जी फोल्डर का अंदर ये वाला स्टोर नहीं हुआ है। तो मतलब क्या है ना जैसे कि यूजर ने जब फाइल अपडेट के टाइम दिया होगा तब मेरा जो फाइल मिला है उस फाइल को भी इस फोल्डर के अंदर भी रखना है राइट। तो सेम जैसे कि मैंने जो सेव कैटेगरी में जो लॉजिक लगाया था फाइल को सेव करने के लिए उसी के लॉजिक को यहाँ पर कॉपी कर लूँगा ओके। तो सक्सेसफुली कब चलेगा जैसे सक्सेसफुली अपडेट हो गया मतलब कुछ इशू नहीं है उसके बाद मैं यहाँ पर वो लॉजिक लगाऊंगा, तो यहाँ पर मैं चेक करूँगा कंडीशन पे यूज़र ने जो रिक्वेस्ट में फाइल दिया है कि नहीं फर्स्ट, तो मैं ये कंडीशन चेक करूँगा फाइल इज एम्प्टी मतलब क्या है ना तो ये एम्प्टी है नहीं दिया तो उसको तो नेगेशन करना है मतलब नॉट इक्वल दैट मीन्स क्या ना यूज़र ने मेरे को रिक्वेस्ट में फाइल दिया है तो जब फाइल अगर मिला है उसको मेरे को लेके जाके अपडेट करना है ओके। तो अभी जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है क्लास पाथ रिसोर्स को समथिंग एरर दिखा रहा है ओके, तो थ्रोस करना है तो आर थ्रोस डिक्लेरेशन आईओ एक्सेप्शन आपको थ्रो करना है, उसके बाद जो अगर मान लो जैसे फाइल इज एम्प्टी ओके मतलब क्या है ना यूज़र ने अपडेट के टाइम इमेज अपलोड किया है तब ये वाला इफ कंडीशन चलेगा, स्टैटिस आई एम जी फोल्डर मिलेगा तो आई एम जी फोल्डर के अंदर सेपरेटर फाइल डॉट गेट्स और जो फाइल नेम ये ऑलरेडी सेव हो जाएगा ओके ओके। अभी आके अभी इस फाइल को चेक करेंगे अपडेट हुआ कि नहीं, अब मैं एक बार रिफ्रेश कर लूँगा सक्सेसफुली तो मैं एक्टिव कर दूँगा कुछ, हालांकि मैं इमेज ट्राई करूँ अपलोड करने के लिए, तो मान लो हॉस्टल 1 डॉट
JPG अभी अपडेट हो चुका है। अगर मान लो मैं इसको नेम अगर नहीं देता हूँ, कुछ सिंपल उसको इनएक्टिव कर देता हूँ, तो जैसे मैं अपडेट में क्लिक करता हूँ सक्सेसफुली कि अपडेट हो चुका है, राइट, सक्सेस रिफ्रेश करूँगा। अगर मैं रिक्वेस्ट में देता हूँ कुछ अलग इमेज, तो मान लो जैसे कि ये वाला जैसे कि मैं देता हूँ AWS PNG, जैसे मैं देता हूँ अभी ऐड हो चुका है, तो जैसे वन स्टेप में बैक आ जाऊँगा। कैटेगरी नहीं, तो वन उसका गलत वो एयर ला चुका है। क्यों आ रहा है इस तरह? ओके ओके, तो आर कैटेगरी पे आएंगे। अभी देख सकते सिंपली आ रहा है, तो इसको मैं जाके इसको जो कोड भी चेंजेस करना चाहता हूँ मैं चेंजेस भी अभी कर सकता हूँ। चलिए वर्क कर रहा है, आज अपडेट कर दूंगा। ओके अपडेट हो चुका है, बैक आ जाऊँगा। अभी देख सकते हैं यहाँ पर जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो अपडेट भी हो चुका है। ओके तो सक्सेसफुली यहाँ पर मैं जैसे कंप्लीट कर चुका हूँ आज के वीडियो के अंदर कैटेगरी ऐड करने का, एडिट एंड डिलीट ऑप्शन सब कुछ सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। ओके सो गाइज, आई होप आज के वीडियो के अंदर जो मैंने एक्सप्लेन किया, कोई जो भी सीखा है आप, कुछ हेल्प हुआ था इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो आप इस चैनल पर इसे लेटेस्ट वीडियो का आपको मिलता रहेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल साथ साथ प्रोजेक्ट की वीडियो मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा देना। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।